जिंदगी नरवाना की मेला मंडी में राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती समारोह में मंच से सीएम मनोहर लाल ने जिले और प्रदेश के लिए घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास के नाम से होगा, तो वहीं पीपली में संत रविदास का विशाल स्मारक बनाया जाए, इसे लेकर जमीन की पहचान की जा रही है। यहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लघु उद्योगों पर जमीन खरीदने पर 20% की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यापार का काम करना चाहता है उस पर लोन लेने पर 20% की छूट दी जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर अनुसूचित जाति का कोटा तय कर दिया जाएगा, इसके तहत पदोत्तरी दी जाएगी। नरवाना में गुरु रविदास धर्मशाला के विस्तार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा सीएम ने की। समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वह संत रविदास से प्रेरणा लेकर प्रदेश भर में समान रूप से विकास कार्य कर रहे हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से सभी संत महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही हैं। संतों ने ही समाज को दिशा दी है। संतों के अनुसरण से ही बुराइयों से बचा जा सकता है। समाज की सभी कुरीतियां को खत्म करना जरूरी है। प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट की सराहना की। मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से गरीबों को लाभ मिल रहा है। बिना राशन कार्ड वालों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, सीएम के ओएसडी कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, मंत्री कमल गुप्ता, हासी विधायक विनोद भयाना, पूर्व विधायक प्रेमलता, कैप्टन अभिमन्यु, नरवाना के विधायक राम निवास सूरजा खेड़ा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद जिले के शहर रतिया के संजय गांधी चौक पर आज दोपहर 12 बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब चौक के पास ही एक खाली प्लॉट में झाड़ियों से युवक का शव बरामद हुआ। शव इतनी बुरी हालत में था कि शव को कीड़े लग चुके थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो शव की शिनाख्त 11 दिन से गांव अलिका से लापता 30 वर्षीय तरसेम के रूप में हुई। वहीं शव के पास ही 2 सिरिंज पड़ी थी और 1 सिरिंज हाथ में लगी हुई थी, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि यही झाड़ियों में सिरिंज लगाने के बाद ओवरडोज से उसकी जान चली गई और तब से शव यहीं पड़ा रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार गांव अलिका निवासी 22 जनवरी से घर से लापता था। परिजनों ने इस बारे में पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं आज दोपहर कचरा बीनने वाली महिला जब संजय गांधी चौक से कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट में लगी झाड़ियों में गई तो उन्हें वहां बुरी दुर्गंध महसूस हुई और झाड़ियों में कुछ अजीब देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो झाड़ियों में युवक का शव था और कीड़े पड़ने के कारण शव बुरी तरह सड़ चुका था, जिसकी दुर्गंध आसपास फैलने लगी थी। छानबीन की तो शव की शिनाख्त लापता तरसेम के रूप में वही पता चला है कि आसपास ही 2 सिरिंज रखी मिली है और 1 सिरिंज उसके हाथ में लगी थी। बाकी अभी तक चोटों आदि के कई निशान बॉडी पर नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।